स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज में जिसमें हम 10th 12th एमपी बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज इसी से रिलेटेड हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि 10th 12th का रिजल्ट आ चुका है, किन्हीं कारण से कुछ बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है, उसी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम पहले नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल आया उसको से देखते हैं, इसी के साथ में फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। वो इसमें बताया गया है वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल पूरक परीक्षा एवं हायर सेकेंडरी व्यवसायिक पाठ्यक्रम द्वितीय अवसर परीक्षा के आयोजन के संबंध में इससे रिलेटेड इसमें बताया गया है। तो उसके फॉर्म कब से कब तक भराएंगे उसके बारे में हम देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो बताया गया है 31 मई 2023 से आप पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री के फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर हम लास्ट डेट की बात करें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ऑफिशियल और साइट पर जाकर। जो स्टार्टिंग हो चुकी है कि 31 मई 2023 से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अगर फीस की बात करें तो फीस बताई गई है तो प्रति विषय परीक्षा शुल्क हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल नियमित और स्वाध्याय मतलब प्राइवेट और रेगुलर की जो एक विषय की आप अगर फीस की बात करो तो शुल्क जो लगने वाला है 350 रुपये आपका एक विषय में लगेगा। इसी के साथ में परीक्षा शुल्क हायर सेकेंडरी व्यवसाय अगर दूसरा लिया है तो ये अलग अलग के लिए अलग अलग है, दो विषय चार विषय चार से अधिक विषय के लिए अलग अलग इसमें फीस बताई गई है। इसी के साथ अगर हम और बात करें ऑनलाइन कियोस्क संचालन को देश शुल्क उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त वो रहेगा 25 रुपये, 75 रुपये में आपका एक सब्जेक्ट का फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये रही कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है। अब इसी के साथ आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे उसके बारे में भी हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमको फॉर्म फिल करना है पर्सनली आप स्वयं से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और कियोस्क पे जाके भी एमपी ऑनलाइन पे जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो स्वयं से अगर करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको सर्च करना है एमपी पीएससी एमपी ऑनलाइन, डायरेक्ट आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। तो हम सर्च करते हैं हम एमपी बीएससी एमपी ऑनलाइन सर्च करते हैं तो डायरेक्टली आप इसके साइट पर पहुंच सकते हैं। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की ऑफिशियल साइट पर हम पहुंच जाते हैं। अब आपको फॉर्म फिल करना है तो आप जब स्क्रॉल करेंगे आपको सेंटर में जो ये ऑप्शन दिया है इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023, तो यहाँ पे फॉर्म की डेट आपको दिख जाएगी 2022-23 में 10th एंड 12th एमपी बोर्ड के जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था अगर उनकी सप्लीमेंट्री आई है तो उसके फॉर्म की डेट आ चुकी है। उसकी जो फॉर्म की डेट स्टार्ट हुई है वह डेट है 31 मई 2023 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है वह बताई गई है 15 जून 2023 तक आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाएगा। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो ऑप्शन इसमें पूछे गए हैं वो आपको फिल करना है, जैसे कि एप्लीकेशन टाइप इसको सिलेक्ट करते हैं, सप्लीमेंट्री दिया हुआ है, पास ईयर इसमें दिया 2023, साथ में क्लास के बारे में 10th में 12th में वोकेशनल में है तो उस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। जैसे हम 10th का ट्राई करते हैं, एग्जाम टाइप जो मेन एग्जाम है वो रहेगा, अब रहेगा रोल नंबर, आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है जो भी आपका है। जैसे ही हम सब चीज फिल करके सर्च पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल सामने आएगी, सभी का ऑप्शन दिख जाएगा किस किस में दिया, बैचलर 5 के अकॉर्डिंग इसमें सभी का दिया हुआ है, 1 में 2 में जितने में भी है, इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेव करने का, इसको आप सेव करते हैं। जैसे हम सेव का ऑप्शन क्लिक करेंगे
यहाँ पे आपको फीस का ऑप्शन मिल जाएगा। फीस जैसे 700 रुपए, 350 रुपए एक सब्जेक्ट के, दो के हमारे 700 हो गए। पोर्टल चार्ज जो रहेगा 25 रुपए वो दिए हुआ है, टोटल अमाउंट 725 हो गया। इसी के साथ में पेड स्टेटस अभी क्या है, अनपेड है, और पेड डेट जब हम कर देंगे तो यहाँ पे हम और यहाँ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का ऑप्शन आज पे ही दो ऑप्शन दिए, क्योस्क और सिटीजन। सिटीजन के तौर पे अगर आपको फील करना नागरिकता के तौर पे वैसे, और क्योस्क वाले तो अपने स्तर से कर ही देंगे। सिटीजन हम क्लिक करेंगे, सबमिट करते ही यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। तो किसी भी बैंक के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, UPI वॉलेट किसी के भी द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपना घर पे भी बैठकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, कि उसके पास जाकर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका फॉर्म फिल होने वाला है। इसी के साथ 31 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 15 जून तक फिल होंगे। आगे जो हमारा पेपर होगा इसका टाइम टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक की जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।